तो बच्चों आज हम सीखेंगे काउंटिंग। इसको हम हिंदी में गिनती बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वन का मतलब एक। आगे है दो, मतलब टू। एक्सीलेंट। हम अब टच करेंगे थ्री को, यानी कि तीन। अगला है चार, यानी कि फोर। आगे हम अब टच करेंगे पांच, यानी कि फाइव। फाइव। आगे है सिक्स, यानी कि छः। सेवन। सिक्स। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। आगे हम करेंगे सेवन, यानी कि सात। सेवन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। एक्सीलेंट। आगे हम इसको बनाएंगे एट, यानी कि आठ। एट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। एक्सीलेंट। तो आगे क्या आएगा बच्चों? आगे आएगा नाइन, यानी कि नौ। तो मैं दबाता हूँ नाइन। नाइन। तो इसमें आइसक्रीम के कितने डिब्बे आए? नाइन। जिसमें हम क्या करेंगे, एक एक को खाएंगे। तो शुरू करते हैं। वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स सेवन सेवन एट एट नाइन। नाइन। एक्सीलेंट। अब हमारा बचा है टेन। तो अब हम क्या करेंगे, टेन को काउंटिंग करेंगे और एक से लेके टेन तक गिनेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेन। तो आइसक्रीम के डिब्बे कितने आए? टेन। एक एक करके खाएंगे और साथ में काउंट भी करेंगे कि हमने कितनी आइसक्रीम खाई। तो चलो शुरू करते हैं। वन ए टू दो थ्री तीन फोर चार पाँच फाइव छः सिक्स सेवन सात एट आठ नौ नाइन दस। टेन। एक्सीलेंट। तो हमने आज सीखा एक से लेके दस तक काउंटिंग। और अब हम बीच में दो तीन बीच बीच से सीखेंगे कि कितनी आइसक्रीम आई और हमने कितनी काउंट करी। तो पहले हम देखते हैं क्या आ रहा है। फोर। फोर, यानी कि चार। पहले हमारे पास चार आया, अब हम काउंट करेंगे और आइसक्रीम खाएंगे। तो पहले हम देखते हैं वन वन, यानी कि एक। टू टू, यानी कि दो। थ्री थ्री, यानी कि फोर। फोर। और हमने कितनी आइसक्रीम खा ली? फोर। आगे देखते हैं नाइन। नाइन, यानी कि नौ। अब हमारे पास आइसक्रीम कितनी आई? नाइन। अब हम एक एक करके खाएंगे और साथ में करेंगे काउंटिंग। वन वन एक टू टू दो थ्री थ्री तीन
4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 Excellent. तो ऐसे करके हम काउंटिंग सीख सकते हैं कि हमने कितनी चीज़ लिया, उसमें कितनी आइटम हैं, उसको काउंट कर सकते हैं। तो एक और करते हैं, चलिए 7 यानी कि 7। अब इसमें कितनी आइसक्रीम दिख रही हैं, 7। तो एक एक करके खाएंगे और साथ में करेंगे काउंटिंग। 1 एक 2 दो 3 तीन 4 चार 5 पाँच 6 छः 7 सात। और हमारा ये क्या हुआ, एक्सीलेंट। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।